हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है स्फीयर। आज जो है वो अपन 3D का जो पहला टॉपिक है यूनिट नंबर सेकंड के, उसके लिए अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि स्फीयर क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी अपन रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके सेंटर जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सब चीज़ों को अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो अपना यहाँ पे आता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है। तो अपन देखते हैं गोले का सबसे पहले व्यापक समीकरण देखेंगे। गोले का व्यापक समीकरण, तो जो गोले का व्यापक समीकरण होगा उसको अपन यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है अपनी गोले की व्यापक समीकरण, इसे अपन गोले का व्यापक समीकरण जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अब गोले के व्यापक समीकरण के बाद अपन यहाँ पर देखेंगे कि इसका सेंटर जो है वो क्या होता है। तो गोले का केंद्र जो है वो किस तरह से डिसाइड होता है, उसके लिए अपन देखिए ये जो सेंटर है इसका सेंटर डिफाइन होगा माइनस का यू, माइनस का वी और माइनस का डब्लू। ये क्या होंगे, यहाँ पे जो आपको यू वी और डब्लू दिख रहे हैं ये क्या होंगे, इसके सेंटर के फॉर्म में यहाँ पर होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब गोले के केंद्र के बाद बात आती है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या रेडियस आर जो होती है उसको अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला रहता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई सॉरी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर माइनस का डी। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं अपन इसकी रेडियस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एक और अपने को फैक्ट ध्यान में रखना है, वो फैक्ट क्या रहता है कि अगर गोला जो है वो अपना कहाँ से गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे मूल बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो अगर कोई गोला मूल बिंदु से गुजरता है तो उस गोले के लिए क्या होता है, ये जो आपको D दिख रहा है ये D क्या हो जाता है, D इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, D इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये हो गई अपनी स्फीयर की मेन बात। ठीक है, स्फीयर के अंदर सबसे पहले यानी गोले में सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है। दूसरा चीज़ अपने को ध्यान रखना है कि गोले का जो सेंटर है उसको अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और तीसरा गोले की त्रिज्या है उसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, और चौथा अगर कोई गोला मूल बिंदु से गुजरता है तो उसके लिए ये जो डी डिस्टेंस होती है ये क्या होती है अपनी यहाँ पर 0 होती है। तो यहाँ देखिए, अब अपने पास में अपने जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उनमें अपने को किस फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उनको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो उनमें अपने को जो क्वेश्चन है उनके अंदर क्या दिए हुए रहते हैं, अपने पास में पॉइंट्स गिवन होते हैं और उन पॉइंट्स की हेल्प से अपने को क्या निकालने हैं, गोले की समीकरण। तो पॉइंट की हेल्प से गोले के समीकरण निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूले क्या रहते हैं, अपने पास यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, 4 है, यू वी डब्लू और जेड, W और D, ये 4 क्या है अपने पास वेरिएबल हैं। ठीक है, और अपने पास 4 पॉइंट गिवन होंगे या उन चारों पॉइंट में कुछ अंदर क्या रहेंगे, उनमें रिलेशन गिवन होगा, तो उनकी हेल्प से अपन U, V, W और D इन चारों की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और फिर क्या निकालेंगे, गोले के समीकरण को निकालेंगे। तो एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं अच्छे से कि किस तरह से ये वाला हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को अपन यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या रहता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपसे गिवन है वैल्यूज कि एक प्लेन है और उस प्लेन का इक्वेशन क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। ये क्या गिवन है, एक समतल का समीकरण है, ये गिवन है समतल का समीकरण, और इस समतल में अपने को 4 पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट गिवन है 0, 0, 0, यानी इसको अपन क्या कह सकते हैं, मूल बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट गिवन है अपने पास ए 0, 0, थर्ड पॉइंट है 0, B, 0 और फोर्थ पॉइंट है 0,
जीरो सी। और इन चारों पॉइंट की हेल्प से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इन चारों पॉइंट से गुजरने वाले गोले का समीकरण अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अपन जानते हैं कि जो गोला मूल बिंदु से गुजरता है, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो गोला मूल बिंदु से गुजरता है उसके लिए d की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो d का वैल्यू तो यहाँ पर सीधा सा अपने पास फाइंड आउट हो जाएगा। पहले अपन गोले का व्यापक समीकरण लिख लेते हैं और उन्हीं में इन पॉइंट्स को पुट करके अपन u, v, w और d का मान फाइंड आउट करेंगे। तो गोले का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण होता है यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स टू वी वाई टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, यही रहता है अपना। तो इसमें देखिए अपने यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है इतना हो गया। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो कोमा ज़ीरो से यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, डी इक्वल टू ज़ीरो। पहला जो एक वेरिएबल है वो यहाँ पर अपने पास फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे a, 0, 0। तो इस इक्वेशन में आप x की जगह a रख दो और बाकी y और z की जगह क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो अपने पास जो इक्वेशन है वो किस तरह से बनेगी, देखिए इक्वेशन अपनी बन जाएगी a स्क्वायर प्लस 2ua इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ से अपन 2ua बराबर कर देते हैं माइनस का ए स्क्वायर, ए से क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा। तो 2u की वैल्यू जो है वो अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर माइनस का ए फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। सेम अपन इसके लिए करेंगे। तो 0b0 इससे गुजरने वाला जो, अगर इस इक्वेशन को अपन गुजारेंगे तो अपने पास क्या फाइंड आउट होगा, बी स्क्वायर प्लस 2vb इक्वल टू 0। और इससे अपने पास में 2v की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी और 2v की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, यहाँ पे माइनस का b, ठीक है। सेम इसी तरह से अपन थर्ड वाले पॉइंट पर अप्लाई करते हैं। थर्ड वाला पॉइंट 0, 0 और c, इस पर अप्लाई किया तो अपने पास इक्वेशन आएगा सी स्क्वायर प्लस 2vb इक्वल टू 0, सॉरी 2w सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 2w की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और 2w की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का c। और ये जो चारों कोफिशियंट की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली, u की वैल्यू हो गई, v की वैल्यू हो गई, w की वैल्यू हो गई और d की वैल्यू हो गई, इन चारों को क्या कर देंगे, इस गोले के व्यापक समीकरण में पुट कर देंगे। तो अपने इन चारों बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए इसमें अपने पास क्या आ जाएगा, अतः गोले का समीकरण, तो गोले का समीकरण जो है वो अपने पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब जो 2u है उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का a। तो मैं पुट कर दूंगी तो हो जाएगा माइनस का a x, ठीक है, माइनस का b y, माइनस का सी जेड इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगी, इन चारों बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण अपने पास फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन किसी भी चार बिंदुओं से गुजरने वाले, यानी कोई भी चार पॉइंट अपने पास में गिवन होते हैं, उन चारों पॉइंट को अपन सॉल्व करके इन चारों से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे अपन एक और एग्जाम्पल इसके लिए इसी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो इससे अगला एग्जाम्पल है बिल्कुल इसके जैसा ही, लेकिन उसके अंदर एक थोड़ा सा आपके पास समझने लायक जो चीज़ है मैं वो आपको बता देती हूँ। इसमें जो है अगला जो आपका एग्जाम्पल है उसमें आपके पास क्वेश्चन को दो तरीके से गिवन है, एक आपके पास में इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है और एक आपके पास में पॉइंट्स के फॉर्म में गिवन है। तो देखिए पहले अपन इक्वेशन फॉर्म में देखते हैं, अपने पास इक्वेशन गिवन है y अपॉन b प्लस जेड अपॉन c इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हो गया z अपॉन c प्लस x अपॉन a इक्वल टू 0, ये हो गया। और x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 0, और चौथी इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1।
ठीक है, ये चार इक्वेशन अपने को गिवन है और इन चारों इक्वेशन की हेल्प से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, जो आपके नीचे जो पॉइंट फॉर्म में गिवन है, पॉइंट फॉर्म में इसको कैसे गिवन है, 0, 0, 0 और नेक्स्ट है माइनस ए बी और सी, अगला है ए माइनस बी और सी, और इससे अगला है ए बी और माइनस का सी। ये चारों पॉइंट जो है वो इन्हीं चारों जो इक्वेशंस है इनकी हेल्प से निकालेंगे, देखो कैसे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, अब देखिए अपन जो ये चारों इक्वेशन है, इन चारों इक्वेशन की हेल्प से अपन क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए, पहले अपन फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो आपकी इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो इक्वेशन है उसकी हेल्प से आप देखिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको अच्छे से, क्या क्या रिप्लेसमेंट होगा उसको अपन देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट सेकंड व थर्ड से, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो देखिए पहली जो है इससे अपने y अपॉन b का मान निकाल सकते हैं, और y अपॉन b का मान निकलेगा माइनस का z अपॉन c। ठीक है, हो गया यहाँ तक, ये चीज़ समझ में आई आपको। ये जो आया था इसको अपन कहाँ रख दें, y अपॉन b आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो इक्वेशन नंबर थर्ड में जब अपन इसको रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन नंबर थर्ड किस तरह से चेंज हो जाएगी, ऐसे चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड जो है इस तरह से चेंज हो गई। अब ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड चेंज हुई है, इस इक्वेशन को टू के साथ क्या करवा दीजिए, ऐड करवा दीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर फाइव नाम दे देती हूँ, और थ्री प्लस अपन फाइव करवाते हैं, थ्री और फाइव को क्या करवा, सॉरी टू और फाइव को क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जेड प्लस सी प्लस का है, जेड बाई सी प्लस का है, यहाँ जेड बाई सी कैसा है, माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और इनका जो एडिशन है वो अपने पास फाइंड आउट हो जाएगा 2x/a = 0। और ये फाइंड आउट होते ही यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अपने पास x की जो वैल्यू है वो क्या फाइंड आउट हो गई, 0 फाइंड आउट होगी। जब x की वैल्यू 0 आ गई तो आप इन दोनों इक्वेशन में से यहाँ पे रख दो चाहे यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो y 0 आ जाएगा और यहाँ रखोगे तो z 0 आ जाएगा। इसका मतलब अपने यहाँ पे जो मैंने आप यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा था 0, 0, 0 ये फाइंड आउट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अपने को आगे के जो तीन पॉइंट्स हैं वो इन्हीं तीनों का कंपेरिजन करवा के, अभी अपन ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड का करवाया, अब सेकेंड थर्ड फोर्थ का करवा लेते हैं, फिर क्या करवाते हैं, फर्स्ट थर्ड फोर्थ का करवा लेते हैं, और फिर क्या करवाएंगे, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ का करवा लेते हैं। इस तरह से करवा के अपने पास चारों जो पॉइंट है वो यहाँ पर अपन फाइंड आउट कर लेंगे, और उन चारों पॉइंट को फाइंड आउट करते ही फिर आपको आगे की प्रोसेस पता ही है कि आप इस पेयर की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने इस पेयर को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।